हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अमेरिका में अमेज़न जंगल में मिलने वाले अजीबोगरीब जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो अमेज़न अपने अजीब वातावरण के लिए माना जाता है, लेकिन लोग इसे पांच खतरनाक जानवरों के घर के रूप में भी जानते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। एनाकोंडा का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में सन 2004 की मूवी आती है, जिसमें एनाकोंडा को खतरनाक जानवर बताया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एनाकोंडा पानी के बाहर काफ़ी धीरे और पानी के अंदर काफ़ी तेज और ख़तरनाक होता है। इससे यह समझ आता है कि इसका घर अमेज़न की नदियाँ, कीचड़ और दलदल हैं। आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होगा कि यह सबसे लंबा और भारी सांप है। इसकी आंखें मगरमच्छ की जैसी सिर के ऊपर होती हैं, जिससे यह पानी के अंदर छुपकर पानी के बाहर वाले जानवरों पर ध्यान रख सकता है। ये अपने शिकार को जकड़कर उसका दम तोड़ देता है, फिर उसे निगल जाता है। ये ज़्यादातर मछली, हिरण, चीता और पक्षियों का शिकार करता है। पॉइजन डार्क फ्रॉग। ये एक छोटा प्यारा जीव नहीं है, बल्कि एक खतरनाक मेंढक है। ये जहरीला मेंढक अमेज़न के बारिश वाले इलाके में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे जहरीला ही नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा जहरीली हड्डी वाला जानवर है। इसका जहर आपके नर्वस सिस्टम को रोक देता है, जिससे आपका दिल धड़कना बंद कर देता है। सिर्फ एक मेंढक के पास इतना जहर होता है कि वह कई लोगों को मार सके। आदिवासी लोग इसे पकड़कर इसके पैर को तीर पर लगाकर जानवरों और अपने दुश्मन का शिकार करते हैं। हार्पी ईगल। यह अपनी दूर की दृष्टि के साथ साथ अपने डरावने लुक के कारण जाना जाता है। इसके पंख 7.5 फीट और बॉडी 40 इंच तक की होती है, जो इसे सबसे ताकतवर उड़ने वाला जानवर बनाता है। ग्रीक के लोग इसे पक्षी के रूप में राक्षस मानते हैं, जो उनकी किताबों में इंसान के चेहरे जैसा है। ये अपने पंजे के बड़े नाखूनों से बंदर, मकड़ी, सांप जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। मादा पक्षी नर पक्षी की दुगुनी बड़ी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से शिकारी इनका शिकार आसानी से कर लेते हैं। जगुआर। ये सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति होती है, जो अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। इसका नाम जगुआर नेटिव अमेरिका के यगुआर से लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि वह जो एक छलांग में मार देता है। ये इतना ताकतवर होता है कि वो अपने शिकार का सिर एक बार में कुचल देता है। ये अपने शिकार को मारने के बाद खाने के लिए पेड़ पर ले जाता है। ये पानी में तैरने में भी काफ़ी अच्छा होता है, जिससे ये आसानी से मछली, कछुए और मगरमच्छ का शिकार आसानी से कर लेता है। ब्लैक कैमन। ये एक खतरनाक रेंगने वाला मांसाहारी जीव है, जो मगरमच्छ की फैमिली से बिलोंग करता है। ब्लैक कैमन, जो सबसे बड़ा 13 से 14 फीट का होता है, जो अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। ये सबसे ज़्यादा छोटे स्तनधारी जानवर और मछली का शिकार करता है, और बड़े जानवर केपीवारा, हिरण और सुअर का शिकार करता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी कीमती स्किन, जिनसे कपड़े और काफ़ी कीमती सामान बनते हैं, जिसके लिए इंसानों द्वारा इनका शिकार किया जाता है, ये लुप्त होने वाले जानवरों में शामिल होने वाला था, पर कुछ साल पहले इसकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।